दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप के फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ स्मृति मंधाना की तूफानी बल्लेबाजी और उनका प्रदर्शन देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही खुशी से नहीं झूम उठा, बल्कि भारत के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी काफी खुश हुए। और फिर उन्होंने स्मृति मंधाना को बधाई देते हुए उनके साथ अपने रिश्ते और फ्यूचर प्लान्स का खुलासा करते हुए जो कहा, सुनकर हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर क्या अब स्मृति मंधाना और यशस्वी जायसवाल एक दूसरे से करने वाले हैं शादी? कब ये दोनों ब्यूटीफुल कपल लेंगे साथ फेरे? जायसवाल का वो दिल जीत लेने वाला बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जब भारत और श्रीलंका की महिला टीम एशिया कप के फाइनल मैच में आमने सामने हुई। इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, शेफाली वर्मा टीम के लिए केवल 16 रनों का योगदान देकर पवेलियन चली गई, लेकिन वहीं स्मृति मंधाना अकेले मैदान पर टिकी हुई थी, श्रीलंका के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रही थी। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रही थी, मगर एक तरफ से विकेट की झड़ी लग रही थी। इनका साथ कप्तान हरमनप्रीत भी नहीं दे सकी, लेकिन मंधाना अकेले मैदान पर डटी हुई थी। उन्होंने जेमिमा के साथ मिलकर टीम की पारी को संभाला, कई चौके छक्के जड़े, लेकिन जेमिमा भी टीम के लिए 29 रनों का योगदान देकर पवेलियन चली गई। मगर स्मृति मंधाना अपने अंदाज में खेल रही थी, श्रीलंका की हर महिला गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रही थी और देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, बल्कि अपना तूफानी अर्धशतक भी स्मृति मंधाना ने जड़ दिया और टीम की पारी को संभालते हुए एक अच्छे स्कोर तक बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 47 गेंदों पर 10 खतरनाक चौके की मदद से 60 रन बनाकर वो भी पवेलियन चली गई। लेकिन स्मृति मंधाना की बदौलत भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने 165 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। स्मृति मंधाना की ये तूफानी पारी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। वहीं भारतीय खेमा भी स्मृति मंधाना के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहा था। वहीं भारतीय युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने खुलेआम स्मृति मंधाना को शादी करने का ऑफर दे दिया और ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई खुशी से झूम उठा। तो चलिए हम आपको जायसवाल का वो बयान सुनाते हैं। जी हाँ, स्मृति मंधाना की तूफानी बल्लेबाजी देखकर जायसवाल ने बयान देते हुए कहा, वाह, महिला खिलाड़ियों ने क्या शानदार खेल दिखाया है, श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, ये देखकर मैं काफी खुश था। स्मृति मंधाना ने अच्छी बल्लेबाजी का नजारा दिखाया, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया है, मैं जितनी भी तारीफ करूं स्मृति की कम है, वैसे भी वो मेरी सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है, मैं उनकी बल्लेबाजी देखना काफी पसंद करता हूं, वैसे तो वो मुझे काफी पसंद है, वो मुझे काफी क्यूट नजर आती है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, आज उन्होंने अपनी अच्छी बल्लेबाजी से मेरा दिल जीता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर इसी तरीके से बल्लेबाजी करती रहें और टीम इंडिया का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।